Hello student, today we are going to discuss the new theory topic of this chapter, that is cells and mutual inductance. So here we are primarily focused on what is the induction. Okay, so in simple language, from the previous theory we are known that due to the change in the magnetic flux, okay, otherwise the rate of change of magnetic flux will induce the what current or EMF. Okay, so here whenever anything will be what induced, okay, यानी कि वो करंट होगा या तो फिर वो EMF होगा, जो भी वो हो, बराबर, तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी खड़ी वो कुछ ना कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगी और वो फैक्टर और कोई नहीं पर कौन है भाई, इंडक्टेंस है. हर चीज का खुद का एक कॉन्स्टेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे अंदर, बराबर. तो वॉट इज द इंडक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस क्वेश्चन. An electric current can be induced in the coil by the flux change produced by the another coil in its vicinity, or flux change produced by the same coil. However, in both cases, the flux through a coil is proportional to the current, that is, phi is proportional to I. यानी कि बोलना क्या है कि ये दो coil है, ये coil के अंदर current change करके magnetic field change करो तो इसके साथ link होती magnetic field भी change होगी क्या नहीं होगी अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट, बराबर. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो सीधी सी बात है इसमें करंट इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज की वजह से. या तो फिर दूसरे केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉइल है उसकी ही मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक होकर फ्लक्स चेंज करेगी अंदर, बराबर. तो दोनों केस में जो भी हमारा फ्लक्स का जो रेट है वो अल्टीमेटली फ्लक्स का चेंज है वो किसका साथ प्रोपोर्शन होता है भाई, आई के साथ. यानी कि करंट बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा अंदर, बराबर. पर हमारी कॉइल में सपोज एन टर्न वाली है तो हमारा ये प्रोपोर्शनल फैक्टर क्या बनेगा, एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई बनेगा यहाँ पे अंदर, बराबर. यानी कि आपने यहाँ पे करंट का क्या वेरिएशन किया वो सीधा इम्पैक्ट किस पे करता है, टोटल फ्लक्स पे करता है अंदर, बराबर. जितना करंट का कम वेरिएशन होगा उतना फ्लक्स का वेरिएशन भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, बराबर. तो यहाँ पे कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन है उसके अलावा उसकी जगह रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं. सो द हियर व्हाट एवर यू आर गॉटिंग दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड दी व्हाट, इंडक्टेंस. तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्ट. यानी कि इंडक्टर और कॉइल एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो गिवन सिस्टम के लिए वैल्यू डिफाइन करता है, समझ में आ रहा है. जिस तरह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में कैसे कैपिटल जी आता है, कूलम्ब लॉ में कैसे कैपिटल की आता है, बराबर. उसी तरह यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इंडक्शन बोलेंगे अंदर. अब बात आती है कि भाई प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है ये, बराबर. तो ये कॉन्स्टेंट किसी पे डिपेंड करता है कि भाई फुल्ली कॉन्स्टेंट है अंदर, तो नहीं भाई. इंडक्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द जियोमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी. तो ये डिपेंड करता है किस पे करता है, कि आपकी कॉइल की जियोमेट्री क्या है, वो उसका फेस साइज क्या है, और साथ में जो मटेरियल है, बराबर, इंट्रिंसिक मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि कॉइल की खुद की और कॉइल के अंदर या आसपास के इलाका में आपने जो चीज रखी है उसके मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, उस पर भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है अंदर, समझ में आ रहा है. फिर बात करें ये इंडक्टेंस अपने आप में कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है अंदर, बराबर. और उसके यूनिट के बारे में बात करें तो उसका यूनिट हेनरी है, जो एक साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी, उसके नेम में उसको दिया गया था, समझ में आ रहा है. और फिर आप यहाँ पे एन फाई इक्वल टू इंडक्टेंस के लिए हम अभी सिंबल नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके दो सिंबल है, दो उसकी टाइप के हिसाब से, एक एल है और दूसरा एम है, बराबर. तो यहाँ पे आप उसका इक्वेशन बना सकते हो, तो क्या होगा एन फाइव बाई, चलो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट होता नहीं, यहाँ पे क्या है बी है, बी का आपको पता है, ए का पता है, और डिवाइड बाई आई का भी आपको पता है, क्या डायनेमिक सर फॉर्मूला भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते अंदर, बराबर. तो ये जो इंडक्टेंस है वो दो टाइप के, एक म्यूचुअल है और दूसरा क्या है, सेल्फ है. म्यूचुअल का मतलब क्या, दूसरे की वजह से अगर एक कॉइल में हम फ्लक्स इंड्यूस कर रहे हैं, बराबर, चेंज कर रहे हैं, तो उसको म्यूचुअल बनेगा. सेल्फ का मतलब क्या है कि एक कॉइल खुद ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अपने फ्लक्स में चेंज करे तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे अंदर, समझ में आ रहा है. तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, म्यूचुअल के बारे में, और उसके रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अंदर, बराबर. तो यहाँ पे बोला गया कि एक्सप्लेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, बराबर. तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है भाई, जो कॉइल लेनी अंदर, बराबर. म्यूचुअल का मतलब क्या है कि एक कॉइल की इफेक्ट दूसरे पे क्या हो रही है वो हमको देखना है अंदर, बराबर. तो यहाँ पे दोनों कॉइल को भाई नेम दे दो, एक कॉइल को बैटरी लगाई, एक को गैल्वेनोमीटर लगाए,
वही चीज हमको यहाँ पे सब लिख देनी है अंदर, समझ में आ रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ से मैं करंट के फ्लो में चेंज करूंगा तो उसकी वजह से ये कॉइल के साथ लिंक होता करंट चेंज होगा, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बराबर कुछ ऐसे नेचर में होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट जो होगा वो ये कॉइल के साथ इंटरेक्ट होगा कि नहीं होगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो बराबर। तो यहाँ पे ये कॉइल का अगर करंट बदल रहा है तो यानी कि इसका बी बदल रहा है, अगर इसका बी बदल रहा है तो उसका जो भी पार्ट यहाँ पे इंटरेक्ट होता है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि हुआ क्या कि इसके साथ फ्लक्स में चेंज हो रहा है, कौन सी वैल्यू चेंज होते हैं, बी की वैल्यू चेंज होते होते अंदर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एरिया या तो फिर थीटा में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है अंदर बराबर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बी तो बदला तो बी बदला तो फ्लक्स बदला, और फ्लक्स टाइम के साथ बदलेगा तो हमको ये क्या बताएगा भाई, करंट इंड्यूस करंट बताएगा कि नहीं बताएगा, जो कैलोरीमीटर हम प्रेजेंस से चेक कर सकते हैं अंदर। तो अब हम बोल सकते हैं कि दूसरी कॉइल के साथ जो लिंक होता फ्लक्स है उसको हम N1∅1 बोलेंगे, क्योंकि ये कॉइल को हमने 1 नाम दिया है अंदर बराबर। वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई, पर यहाँ पे आई किसका है, सेकंड कॉइल का, इसलिए आई टू लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट निकाले तो N1∅1 इक्वल टू क्या लिखे भाई, MI2। अब यहाँ पे प्लस किसका लिंक हो रहा है भाई, फर्स्ट का, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, इसलिए हम अकेला M ना लिख के M12 भी लिख सकते, क्योंकि इसकी रिवर्स कंडीशन भी पॉसिबल है कि ये वाले की मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो बराबर। अब आपको यहाँ पे क्या है कि भाई फ्लक्स का तो रिलेशन मिल गया, अब आपको EMF का भी इक्वेशन लाना है अंदर, समझ में आ रहा है बराबर, और इंडक्टेंस का भी इक्वेशन बनाना हो तो यहाँ से ही बन जाएगा कि भाई M इक्वल टू क्या होगा, N5 / I ले लो अंदर, ये 1 और ये 2 वाला। पर अब हमको एप्सिलॉन का बनाना है तो उसका इक्वेशन क्या है, -N d∅ dt है, यानी कि ये पूरा इक्वेशन है उसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। पर यहाँ पे एम तो भाई कॉन्स्टेंट है तो उसको टाइम के साथ कोई लेना देना है नहीं, देखा ना वहाँ पे 1-2 लिखा है ना अंदर बराबर, तो उसको बाहर ले लाओ तो अंदर क्या बचता है भाई, di2 dt बचता है। तो फाइनली आपको एप्सिलॉन की भी क्या मिल गई, फॉर्मूला मिल गई कि ना मिल गई अंदर, हाँ के ना है ना, एकदम सिंपल थियरी। चलो नाउ वी हैव टू गिव द टू डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि हमको जो M है उसकी दो डेफिनेशन देनी है अंदर बराबर। एक डेफिनेशन आप कौन से इक्वेशन पे दिए गाओगे, वो N5 वाला इक्वेशन इक्वल टू MI लिखा था उससे दे पाओगे, और दूसरा एप्सिलॉन वाला था उससे भी दे पाओगे अंदर बराबर। चलो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन देनी है तो हमको पता है कि भाई जो कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होता है बराबर, तो उसका इक्वेशन क्या होगा भाई, अगर सेकंड वाली लेते हो तो N2∅2 इक्वल टू क्या होगा, M21∅1 होगा, समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट। और अगर आप N1∅1 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, 1-2 और I2 होगा यहाँ पे अंदर, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स में मैंने जो भी है वो मैं गिन लूँ अंदर बराबर, फिर यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ जो भी फ्लो करवा रहा हूँ अंदर बराबर। तो यहाँ पे आपको M21 इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 5-2 या तो फिर N5-2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है वही ये चीज बनी, डेफिनेशन हो गई बराबर। तो क्या डेफिनेशन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द वन ऑफ द कॉइल ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कॉइल पर यूनिट करंट, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी एक कॉइल का साथ के साथ लिंक हुआ है, पर यहाँ पे दो कॉइल की सिस्टम है उसमें से एक कॉइल में लिंक हुआ है अंदर, समझ में आ रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन ऑफ द कॉइल ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल पर यूनिट करंट बराबर, क्योंकि यहाँ पे M21 की फॉर्मूला क्या बनेगी, 5-2 / I1 बनेगी ना, तो यहाँ पे I1 यानी कि पर यूनिट बराबर, यूनिट क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 लगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे ना अंदर बराबर। तो पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द अदर कॉइल बराबर, तो ये करंट तो जो भी है वो दूसरी कॉइल से पास हो रहा था, यहाँ पे फ्लक्स दूसरी का है पर करंट किसका है, पहले का, इसलिए लिखा है कि करंट पर यूनिट करंट पर किसका, पासिंग थ्रू दी अनदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम बराबर ऑफ द फॉर्म बाय द टू कॉइल, यानी कि वो दो कॉइल का जो सिस्टम है उसका वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम बोलेंगे अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट, हाँ के ना बराबर। तो एप्सिलॉन टू इक्वल टू क्या होगा भाई, -M21 di1 dt था, तो इससे भी आप एक डेफिनेशन देना है तो दे सकते हो अंदर कि आप क्या करो भाई, di/dt वाला जो फॉर्मेट है उसको 1 ले लो तो आपको ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे। तो फिर से डेफिनेशन दे सकते हैं कि द म्यूचुअल ईएमएफ जनरेटेड इन द वन ऑफ द टू कॉइल ड्यू टू द यूनिट
बराबर यूनिट में लेना, पर यहाँ पे खाली आई नहीं है, डी आई बाई डी टी, इसलिए लिखना है यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बराबर क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कॉइल। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? बराबर यूनिट के बारे में बात करते, आप दोनों में से किसी का भी यूज करके दूसरा यूनिट बनाना चाहे तो बना सकते, एक वेबर पर एम्पियर होगा, दूसरा वी एस डिवाइड बाई ए होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस की, वही की वही आइडिया अंदर। और अब ये चीज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी कितनी चीज पे डिपेंड करता है वो यहाँ पे दे दिया गया, शेप है, साइज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे आप दोनों कॉइल को कौन से एंगल में रख रहे हो उससे भी फर्क पड़ेगा अंदर, एंड द मटेरियल ऑन विच दे आर बाउंड और किससे हम बाउंड कर रहे हैं उससे भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि सॉफ्ट टाइम पे करेंगे तो हमको ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में भी कंपेयर टू जो हम खाली रख रहे हैं उसको अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट? हाँ कहना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, पर यहाँ पे हमने अरेंजमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग किया। क्या इंटरेस्टिंग किया कि बड़ी वाली सोलेनोइड थी उसके अंदर छोटी वाली सोलेनोइड इस तरह से सेटअप की बराबर, ताकि दोनों एक दूसरे को कॉन्टेक्ट भी ना करें और दोनों की जो एक्सिस है वो सेम बने। उसी का डिस्क्रिप्शन दे दो भाई, एक कॉइल को एस1 कह दो, दूसरे को एस2 कह दो, रेडियस R1 R2 ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के N1 N2 ले लो अंदर, पर खाली दोनों की यहाँ पे सेम क्या होगी, लेंथ सेम होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट? हाँ कहना। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है समझने का ट्राई करो आप लोग। बराबर यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप बड़ी कॉइल में से करंट पास करवा रहे हो, किसमें से, बड़ी कॉइल में से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक होगी, छोटी वाली कॉइल के साथ होगी कि नहीं होगी अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? तो यहाँ पे हमको जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना होगा वो किसका फाइंड करना, छोटी वाली का फाइंड करना होगा अंदर। बराबर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको S1 बोलते हैं, N1 ∅1 इक्वल टू आपका जो भी इक्वेशन बनेगा, यानी कि ∅ इक्वल टू हम BA लिखते हैं तो एरिया किसका आएगा, ये छोटी वाली कॉइल का आएगा, वो क्लियर हो गया। पर अगर उल्टा केस करता हूँ कि मैं करंट फ्लो ये छोटी कॉइल में से करवा रहा हूँ बराबर और फ्लक्स इसके साथ लिंक करवा रहा हूँ, तो होगा क्या कि छोटी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर तो होगी पर यहाँ से सीधी बाहर निकल के गोल फिर के आएगी अंदर। समझ में आ रहा है? तो भले फ्लक्स हम बड़ी के साथ कर रहे हैं पर यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया पूर्ति है सोलेनोइड के अंदर, ये खाली जितना एरिया उतने पूर्ति है अंदर, तो भले हम यहाँ पे फाई टू लिखेंगे बराबर, पर जो एरिया होगा वो तो क्या होगा, फाई आर वन स्क्वेयर ही होगा, यानी कि छोटी वाली है उसका ही होगा अंदर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैंने अभी जो बोला वो फिर से वीडियो में देखो रिवाइज करके, ताकि आपको ये पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए अंदर। समझ में आ रहा है? अब आपको वही चीज रिपीट करनी है कि भाई करंट ये सब है तो हमारे इक्वेशन क्या बनेगा, अगर पहले के साथ प्लग फाइंड कर रहे तो N1 ∅1 इक्वल टू क्या होगा भाई, M12 I2 होगा अंदर। समझ में आ रहा है? अब प्लग की जगह हम BA लिख सकते हैं अंदर बराबर, सबकी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, लिख दो। देखा यहाँ पे भले आपने 5-1 लिखा है बराबर, पर यहाँ पे जो एरिया और लिखा तो एरिया फर्स्ट का लिखा, पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी लिखी, पे बी दूसरे वाले की लिखी, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसकी होती है, सेकंड कॉइल की होती है जिसमें से करंट I2 पास होता है अंदर बराबर। तो सबका फॉर्मूला आपको पता है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, μ0 Ni बोलते हैं, नहीं बोलते है? तो वो लिखो, एरिया सर्कल है तो πr² होगा अंदर, एन पता है, सिंप्लीफाइड करो तो आपको कुछ ऐसी फॉर्मूला मिलेगी। अब वही चीज उल्टा करो बराबर, यानी कि फर्स्ट में से करंट पास करो और दूसरे के साथ फ्लक्स फाइंड करो अंदर बराबर, तो यहाँ पे भी आपका जो ∅2 है उसकी जगह क्या होगा भाई, A1 B1 होगा अंदर। समझ में आ रहा है यहाँ पे बराबर? तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है, इस तरह से आप सारी की सारी वैल्यू मुको तो आपको आपका दूसरा भी आंसर मिल जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा भाई M21 की वैल्यू और M12 की वैल्यू दोनों में सेम मिल रहा है, कब, जब एक सोलेनोइड के अंदर बीच दूसरा सोलेनोइड प्लेस करते हैं तब। और ये स्टेटमेंट जब प्रूव कर सकते हैं तो हम बोलते हैं उसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं अंदर। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं अंदर। समझ में आया सबको इतना पार्ट? हाँ कहना। बराबर नीचे वाला तो वो μ0 वाला है, वो तो हमको पता है, तो μ0 μr और μ के बीच में क्या रिलेशन है अंदर बराबर। चल अब नेक्स्ट आता है दूसरा पार्ट, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, एंड वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑल्सो बराबर। सो व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इटसेल्फ चेंज ड्यू टू द चेंज इन द करंट फ्लोइंग इन इट, देन सच ईएमएफ इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ।
ओके सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो होता क्या है कि ये कॉइल है, अब कॉइल में से करंट पास होगा तो वो करंट खुद अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेट ओरिजिनेट होकर यहाँ से बाहर से लेके यहाँ पे आएगी, तो देखो करंट तो अपने आप जो हर सेकंड में जो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है वो तो करता ही रहता है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होती है, एड होती है अंदर, समझ में। अगर मैं करंट में चेंज करूंगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे एडिशन का आंसर मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ लिंक करके हमको फ्लक्स के चेंज में क्या करती है भाई, हेल्प करती है कि नहीं करती है अंदर, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे अंदर। फिर से वही का वही फॉर्मूला, एन फाइव प्रोपोर्शनल टू आई, पर यहाँ पे सेल्फ वाला है तो हम प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट एम ना लिख के क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे एल लिखेंगे अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनल देगा एल, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोलते थे अंदर, बराबर। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, बराबर। एंड व्हेन द करंट इज देयर इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल ऑल्सो चेंज एंड इंड्यूस द ईएमएफ इन द कॉइल। तो ईएमएफ को हमारा जो इक्वेशन था लिख दो, बराबर है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, एन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा भाई, डी आई बाई डी टी। तो ये आपको क्या मिला, एप्सिलॉन का अनदर इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट इज व्हाट एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी अंदर, समझ में आ रहा है। वहां पे एम था, यहाँ पे एल मिला, कोई चेंज है नहीं अंदर, बराबर। दूसरा आ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन वी हैव टू अगेन गिव द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आई की वैल्यू वन कर दो तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम भाई, इंडक्टेंस बोलेंगे अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे यही चीज बोलना है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ऑफ एन टर्न कैरिंग द करंट आई गिवन बाय एन फाइव इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है। तो इक्वेशन से बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, बराबर, क्योंकि एल का इक्वेशन क्या होगा, एन फाइव बाई, यानी कि टोटल टोटल फ्लक्स पर करंट है, पर यूनिट करंट, यानी कि करंट की वैल्यू वन लेनी है अंदर, बराबर। देन इट इज डिफाइंड एज व्हाट सेल्फ इंडक्टेंस। उसी तरह एप्सिलॉन के इक्वेशन से भी आप बोल सकते हो, उसमें क्या लेना है, यूनिट रेट ऑफ करंट, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलना है खाली अंदर, क्या बोलना है, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूस्ड और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, बराबर। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही बनेगा जो आगे हमारा बना था अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ क्या ना, बराबर। अब हमको एक फॉर्मूला डिराइव करनी है कि सेल्फ इंडक्टेंस फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, जिस तरह से वहां पे सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड लिखा था, तो यहाँ पे कोई हमारे पास लॉन्ग सोलेनोइड हो तो उसके लिए क्या होगा। तो पहले पे सोलेनोइड को डिफाइन कर दो भाई, उसका क्रॉस सेक्शन ए है, उसकी लेंथ एल है, उसके नंबर ऑफ टर्न ये वाले अंदर, बराबर। तो हमको तो पता है हम क्या लिखते थे, एन फाइव प्रोपोर्शनल टू आई लिखते थे अंदर, तो लिख दो अंदर। और एन फाइव में फाइव का इक्वेशन क्या होगा भाई, बी ए, तो बी ए प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, आपका एल आई होगा कि नहीं होगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पर, बराबर। आपके पास जो जो डेटा है डेटा लिखते जाओ, बराबर। तो आपको यहाँ पे पहले तो एन फाइव फाइंड करके पता है, तो एन की जगह पे एन एल क्यू लिखा, बी की जगह म्यू जीरो एन आई, ये सब आपको पता ही है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। एन फाइव का रिप्लेसमेंट कर दो, तो रिप्लेसमेंट करने से दोनों में से आई आई कट हो जाएगा, तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, म्यू जीरो नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर एरिया इंटू क्या मिलेगा, एल मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये किसकी फॉर्मूला होगी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, याद रखना सोलेनोइड के बारे में बात करें, कॉइल के बारे में बात करें, आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है अंदर, समझ में आ गया है यहाँ पे सबको इतना पार्ट, ये सो नो, बराबर। फिर यहाँ पे आपको फिर से वही चीज बताया कि डिफाइन द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसका यूनिट भी हेनरी ही है, और वो डिपेंड किस पे करता है अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिपेंडेंसी किस किस पे है, कि प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इक्वेशन पर से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर, हाँ क्या, बराबर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। फिर यहाँ पे इंडक्टर क्या है वो समझाने का ट्राई किया, तो क्या बोलते हैं कि इन अ सर्किट अ कंपोनेंट विच हैज द सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इंडक्टर, यानी कि कोई कंपोनेंट हम यूज करें अगर उसका सेल्फ इंडक्टेंस मिल रहा है तो हम उसको सर्किट में इंडक्टर बोलेंगे। जिस तरह सर्किट में एक रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, वैसा ही तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सर्किट, दैट इज व्हाट, इंडक्टर, बराबर। सिंबल ऑफ द इंडक्टर इन द सर्किट इज शोन, जिस तरह रेजिस्टेंस को कुछ ऐसा लिखते थे, कैपेसिटर को हम ऐसा बनाते थे, उस तरह इंडक्टर का क्या है, कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बता देना है, बराबर।
फिर क्या बोलते हैं कि दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ एंड इज अपोज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट। हमको पता है कि यहाँ पे जो इंड्यूस होता है वो कोई जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसका ही अपोज करता है, इसलिए उसको दूसरा नाम भी दिया गया है। क्या दिया गया है? बैक ईएमएफ, पीछे से धक्का देता है। बराबर। सो वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करने की बात करें तो हमको पता है अगर पावर इक्वल टू बी आई लिखते थे, पावर यानी कि क्या है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो उसको डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस के फॉर्मेट में लिखा था, ऐसा लिख सकते हैं। और वी की जगह हम एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या था भाई, एल डी आई बाई डी टी, और आई यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा सर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? बराबर। अब आपको क्या करना है भाई, डी टी डी टी जो सामने से कट हो जाएगा तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिला, एल आई डी आई मिला। अब आपको टोटल वर्क फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो अंदर, समझ में आ रहा है सबको पार्ट? तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एल आई डी आई होगा अंदर, समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब हमको पता है कि आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर बाई टू होता है कि नहीं होता है अंदर? बराबर। एल तो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो वन हाफ एल आई स्क्वायर आपको इक्वेशन मिला अंदर। देखो वन हाफ एम वी स्क्वायर मिला, उसका भाई मिला वन हाफ एल आई स्क्वायर मिला अंदर। बराबर। तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई इज यू इक्वल टू दिस। बराबर। और ये इक्वेशन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर रिमाइंड अस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम, एंड सो दैट एल इज एनालॉगस टू द व्हाट एम। यानी कि जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी में मास का रोल है उसी तरह यहाँ पे किसका रोल है भाई, एल का। यानी कि बोल सकते हैं कि एल एम जैसा ही है यहाँ पे अंदर, समझ में आ रहा है? बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ईयर या जो सिलेबस में होगी तो हम कवर करेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो लेफ्ट एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।